नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा अजय देवगन और बच्चन परिवार का है। कभी बच्चन परिवार के बंगले के पास वाले चौराहे पर खूब स्टंट दिखाते थे अजय देवगन। एक नुक्कड़ गैंग भी बना रखा था। दिलवाले से लेकर तान्हाजी तक चाहे कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, कोई इक्का दुक्का फिल्म छोड़ दें तो अजय देवगन लगभग हर फिल्म में खतरनाक स्टंट करते दिखाई देते हैं। यानी ये बात तो साफ है कि अजय को एक्शन और स्टंट से बहुत प्यार है। अब हो भी क्यों ना, खतरों से खेलना और फिर जीत जाना इन्हें विरासत में जो मिला है। दरअसल अजय देवगन के पिता वीरू देवगन भी भारतीय स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर रह चुके हैं। उन्हीं को देखकर ही अजय ने फिल्मों में आने से पहले ही स्टंट दिखाना शुरू कर दिया था। एक वक्त तो ऐसा था जब अजय अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के बाहर वाले नुक्कड़ पर खूब स्टंट दिखाया करते थे। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने तो वहां पर एक गैंग तक बना ली थी और इस गैंग के लीडर भी अजय देवगन खुद ही थे। एक चैट शो में अजय देवगन और अभिषेक बच्चन ने खुद इस किस्से के बारे में बताया था। अभिषेक के मुताबिक उस वक्त अजय कॉलेज में हुआ करते थे, लेकिन उनके पास खुली जीप थी जिस पर वो प्रतीक्षा के बाहर वाले चौराहे पर खूब स्टंट ट्राई करते थे। साथ ही 3-4 लोगों का गैंग हुआ करता था जिसे नुक्कड़ गैंग के नाम से जाना जाता था। अजय ही दरअसल उस नुक्कड़ गैंग के लीडर हुआ करते थे। अभिषेक बच्चन ने यह भी बताया था कि जब अजय देवगन फिल्मों में चल निकले तो उस नुक्कड़ पर उनका आना जाना काफी कम हो गया, लिहाजा नुक्कड़ गैंग को तब अभिषेक बच्चन, गोल्डी बहल और ऋतिक रोशन ने आगे बढ़ाया। तब वो भी सभी अजय देवगन की देखा देखी जबरदस्त स्टंट करने की कोशिश करते, कभी बाइक पर तो कभी कार पर, लेकिन हर बार उन्हें काफी चोट भी लगती थी। अब अजय देवगन तो पिता से सीखे हुए पेशेवर स्टंट करने वाले बन चुके थे, लेकिन बाकी लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। अजय देवगन शुरुआती दिनों में पिता से ही सीखकर स्टंटबाजी उन्होंने फिल्मों में ट्राई की और फिल्मों में जब आए तो धीरे धीरे छाते चले गए और लगभग जितनी भी फिल्में हैं उनमें ज्यादातर जो स्टंट हैं वो अजय देवगन के अपने रियल होते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।